स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स पेज नंबर 48 एग्जांपल नंबर 3 द फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम दिया है पीक्यूआरएस, इसका हमको पैरामीटर निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ बट इसका हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पैरामीटर नहीं पता है क्या होता है। देखिए, पैरामीटर का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको फिगर दिया हुआ है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ मतलब समझो, उसने PQRS का आपको क्या बोला, पैरीमीटर बोला। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पता है आप क्या करो, आप P से चलना शुरू करो। ऐसे सोचो कि आप यहां पे खड़े हो जाते हो, P से चलते हो और वापस ऐसा वन टर्न लगाकर पूरा P पे आ जाते हो, तो कैसे चलोगे आप? चलोगे पहले PQ के रास्ते पे, इस तरीके से अलोंग PQ मतलब PQ के रास्ते पे, पहले ये PQ चल गए, बताओ टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12। ठीक, फिर आप कहां चले गए, QR पे चले गए, टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करी आपने, 7। भाई क्वेश्चन चेक करो ना बेटा, RQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 7। ठीक, और PQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर आप P से Q चले, Q से R चले, R से S चलोगे तो SR की लेंथ लेनी है और प्लस S से वापस कहाँ आ जाओगे, P पे। तो बस इसी को हम पैरीमीटर बोलते हैं। ठीक, आप पूरा एक टर्न कंप्लीट कर लीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, PQ प्लस QR का लेंथ प्लस SR का लेंथ प्लस SP का लेंथ, यही क्या है, पैरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी दिए गए फिगर की बाउंड्री की लेंथ होती है, चारों तरफ की टोटल लेंथ होती है। ठीक है ना, सो पैरीमीटर इज गिवन बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने लिखना है क्या, PQ, पहले PQ की लेंथ लेंगे प्लस QR की लेंथ लेंगे और प्लस SR की लेंथ लेंगे और प्लस SP की लेंथ लेंगे। ठीक है ना, PQ प्लस QR प्लस RS और प्लस SP, चेक कर लो, PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्या, पैरीमीटर। अब ध्यान से चेक करो, PQ की लेंथ 12 है, ठीक, तो SR की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 12। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए PQ कितना है बच्चों, 12 है, तो SR भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यों सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, चेक कर लो, PQ और SR इक्वल हो जाएगा, तो SR भी कितना हो गया, 12। सिमिलरली बच्चों, जितना RQ है या QR है, ठीक है स्टूडेंट्स, जितना QR है, QR कितना है, 7, उतना ही आपका SP हो जाएगा या PS हो जाएगा, उतना ही SP हो जाएगा, 7। क्यों सर, क्योंकि QR और SP आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब वैल्यू लगाना शुरू करिए, PQ की जगह हम कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस QR की जगह हम कितना लिखेंगे, QR कितना है, 7, तो 7 सेंटीमीटर, और प्लस SR की जगह हम कितना लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस SP की जगह हम कितना लिखेंगे, 7, बेटा ये भी तो 7 है ना, ठीक, SP, चलो सबको ऐड कर दो, सबके साथ सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, चलिए ऐड करिए, 12 प्लस 7 19, इन दोनों को एक साथ ऐड किया, इन दोनों को एक साथ, 12 प्लस 7 19, अब 19 प्लस 19 कितना होता है, 38। ओके, सो 38 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर कितना आ गया बच्चों, 38 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।